खूबसूरत सा मकबरा यहाँ पर है। तालाब के किनारे हम यहाँ पर खड़े हैं अभी। काफी पुरानी गैलरीज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग खड़े हैं पटना के सगुना मोड़ पर और हम लोग यहाँ से आज राइड करने वाले हैं पटना टू मनेर शरीफ का। तो इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पर लाइक करें। और अब आगे की बात हम लोग करेंगे, समझ रहे ना, चलते चलते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आगे का जो सफ़र होगा वो इसी अपनी धन्नो से होने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये सगुना मोड़ से हम लोग अभी निकल चुके हैं। और वो आगे देख रहे हैं ना आप, वो है सगुना मोड़ का कोलंबर। अगर आप इधर जाएंगे तो दानापुर रेलवे स्टेशन चले जाएंगे और बिहटा भी निकल जाएंगे सीधा। लेकिन अगर आपको जाना है मनेर शरीफ दरगाह पर तो आपको ये वाला रास्ता जो है वो शॉर्टकट पड़ता है। ये दानापुर कैंट होकर के जाता है, ये सगुना मोड़ का गोलंबर है। अपना जो हाजीपुर में जो फ्लाइट रेस्टोरेंट वाला जो ब्लॉग हमने किया उसको आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना कि कसम से दिल खुश हो जाता है जब आप इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मनेर 17 किलोमीटर से है, बिहटा 27 और आरा 46 किलोमीटर है। ये रास्ता आपको बक्सर भी लेकर के चला जाएगा और दानापुर छावनी में आपका स्वागत है। वेलकम टू दानापुर कैंट। यहाँ से थोड़ा सा रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करना पड़ता है। दानापुर कैंट के अंदर आ गए हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत होगा इस ब्रेकर से। बहुत ही खतरनाक ब्रेकर है भाई। सेतु पुल के लिए इधर जाएंगे, गांधी मैदान के लिए भी इधर जाएंगे और बिहटा और मनेर शरीफ के लिए इस साइड जाएंगे। देखिए ऊपर पे आपको बोर्ड लगा हुआ है। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, नो हेलमेट नो एंट्री। लेकिन भैया लोग तो बिना हेलमेट के भी चला ही रहे हैं गाड़ी। ये सैनिक चौक है और देखिए कितना खूबसूरत है ये सैनिक चौक जो है, कितने अच्छे तरीके से अपने देश के तिरंगे झंडे को थामे हुए हैं। और हम लोग मुड़ गए हैं मनेर की तरफ। अब यहाँ से मनेर जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। ये देखिए जो गेट है ना, ये पहला बिरसा मुंडा द्वार है। ये दानापुर कैंट का वो पहला गेट है जिससे हम लोग इंटर करके अब प्रॉपर तरीके से अब दानापुर कैंट में इंटर कर चुके हैं। और अब आपको फील आएगी आर्मी वाली। मनेर यहाँ से 15 किलोमीटर है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है ना जब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, पुराने ज़माने के टैंक और फिर पुराने ज़माने की तोप जो होती है। और यहाँ पर जो कैंटोनमेंट एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। आगे लिखा भी है थैंक्स, काइंडली विजिट अगेन। मौसम विज्ञान केंद्र से सैयद साहब अली बात कर रहे हैं। पटना में मौसम पहले से कुछ ठीक हो गया है, ठंड पहले से कुछ कम हो गई है और ये सबके लिए बहुत राहत भरी खबर है। ओ ट्रैक्टर वाले भैया, साइड दे दीजिए भैया। अभी हम लोग मनेर से काफ़ी दूर हैं लेकिन फिर भी अभी से इतना ज़्यादा धूल और गर्दा स्टार्ट हो गया है कि पूरे के पूरे जैकेट पर धूल भर चुका है। तो आप जब मनेर आइए, खास करके गर्मी के दिन में, या फिर बरसात में तो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन गर्मी के दिन में अगर आप आइएगा तो मुंह ढक लीजिएगा अच्छे से, कपड़ा वपड़ा बांध लीजिएगा मुंह पे, नहीं तो नाक मुंह सब में बालू घुस जाएगा। वहाँ पर सामने एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, पहले थोड़ा सा तेल ले लेते हैं क्योंकि इसको भी भूख लग रही है और ये भी कुछ खाई नहीं है। और अभी 12-13 किलोमीटर दूर है जैसा कि भैया बता रहे थे। बहुत लंबा जाम लगा यहाँ पर, बहुत ही लंबा जाम है। एक लाइन से सब गाड़ियाँ एक साथ खड़ी हैं। अब पता नहीं क्यों जाम लगा हुआ है, आगे लग रहा है कुछ हुआ है क्या शायद। अपने औकात से ज़्यादा ट्रैक्टर पर लोड कर लिया भैया, ये ओवरलोड ही तो है। लंबा जाम बा, बहुत लंबा जाम बा। वैसे यहाँ पर मुझे आना नहीं था लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया कि आपको दिखा सकूं कि कितना ज़्यादा ईंट भट्टी है यहाँ पे। देखिए ये सारे ईंट भट्टी है, सभी जो है
मीठा बनाने का काम यहाँ पे होता है बहुत। चलिए अब चलते हैं, मतलब इस पे राइड करने में मज़ा आ रहा है। इससे पहले तक तो सजा मिल रही थी भाई। अगर आप आइएगा तो फोर व्हीलर में आइए, और अगर एडवेंचरस चाहते हैं, मेरी तरह एडवेंचर आप भी चाहते हैं, धूल धक्कड़ फाँकना चाहते हैं, तो फिर आइए, बाइक से कोई दिक्कत नहीं है। गजब। अभी तो हो गया था भाई। तो अभी हम लोग मनेर बाजार पहुंचे हैं। ये मनेर थाना है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कुछ खाने को शायद मिल जाए हमें। हालत देखिए भाई की, हालत देखिए आप, पूरी तरह से धूल में एकदम सने हुए हैं। और अभी हम लोग फिलहाल मनेर बाजार में हैं, और मनेर आए तो और लड्डू नहीं खाएं तो फिर क्या खाएं। ये लोग बैठे हैं क्योंकि मनेर का लड्डू टेस्ट करना था, तो हमारे कुछ व्यूअर्स भी यहाँ पर मिल गए। आए कर दीजिए। हेलो। तो ये वो मनेर का लड्डू जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, इसको खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और टेस्ट करते हैं। इस रोड पे आने के बाद ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ लगती है कि दोनों तरफ से ताड़ के पेड़ है और बीच से सड़क है, काफ़ी खूबसूरत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरगाह मनेर शरीफ लिखा हुआ है, बिहार टूरिज्म का बोर्ड भी लगा है। तो मनेर बाज़ार से बस थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, तकरीबन आधा एक किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आपको ये जगह मिल जाती है, और यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं। ये रास्ता आपको मनेर शरीफ दरगाह ले जाएगा। हमें पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दिखी तो हमें यहीं पर बाहर ही पार्क करना पड़ा। भैया यहाँ पे कहीं पार्किंग भी है क्या गाड़ी का? यहीं पे गाड़ी लगा दें। ये छोटी दरगाह यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये रही छोटी दरगाह। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए मैंने जैकेट वैकेट सब उतार दिया है। ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मनेर शरीफ का जो छोटी दरगाह है वो है, और अब हम लोग यहाँ से अंदर चलेंगे। हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये मनेर शरीफ छोटी दरगाह है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बीच में गार्डन बने हैं, बीच में मज़ार भी हैं। और यहाँ पर क्या कुछ है, आखिर मनेर शरीफ को जाना किस लिए जाता है? यहाँ पर तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और वहाँ पर उर्दू, तीनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है वो एक्चुअल में मकबरा है, मज़ार शरीफ इसको कहते हैं। ओ मखदूम शाह दौलत और इब्राहिम खान का यहाँ पर मकबरा है। पीर मखदूम शाह दौलत का मकबरा स्थानीय क्षेत्र में छोटी दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब इसको छोटी दरगाह भी कहा जाता है। हमारे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये सच में दिल को छू जाता है, क्योंकि इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। ये पहला गेट, और इस गेट में छोटे छोटे दो कमरे हैं दोनों साइड में, और यहाँ पर एक बीच में गुंबद है। तो हम लोग और अंदर अब आ चुके हैं, पूरे कैंपस में आ चुके हैं, और कैंपस में आने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आप मेरे पीछे मुड़ेंगे, देखिए यहाँ पे, तो ये खूबसूरत द्वार जो दरवाज़ा है, और उसके बाद ये खूबसूरत सा मकबरा यहाँ पर है। और इसके चारों तरफ अगर मैं दिखाऊँ 360 व्यू में तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि पटना से चल करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, और आने के बाद यहाँ पर जो आपको एहसास होगा वो आप बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे एक व्यूअर मिले, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राशिद हुआ सर। और यहाँ पर आकर कैसा लगता है? यहाँ पर आके अच्छा लगता है, बहुत सुकून फील हो रहा है। हमें बहुत सुकून है राशिद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आएंगे तो आपको एक अलग सा ही एहसास होगा, एक रूहानी एहसास कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये हमारे पीछे ये रोज़ा है जो कि मखदूम शाह बाबा का रोज़ा है, और यहाँ पर ये मस्जिद है
हमने खादिम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि 1616 ईस्वी में इसको बनाया गया था। शायद इसीलिए हम भारत हैं, क्योंकि मनेर शरीफ जब आप आइएगा तो यहाँ पर जो दरगाह है उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। और जो आस्था है, ये यहाँ पर जो मखदूम बाबा का जो मज़ार है वो सभी के आस्था से जुड़ी हुई है। जो है ये एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की गैलरीज बनी है, काफ़ी पुरानी गैलरीज है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से अभी भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इन गैलरीज के बारे में कुछ लोगों ने नाम लिख दिया यहाँ पर। देखो भाई, नाम हम लिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हेरिटेज है और इसको संभाल के रखना भी हमारा ही काम है। यहाँ पर गैलरी में एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं एक्चुअल में यहाँ पर देखिए नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये एक सुरंग जैसा है जिसको अब बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ हुजरा शरीफ। हुजरा का मतलब आराम करने की जगह होती है, तो हुजरा शरीफ शायद इसके अंदर कुछ ऐसा होगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता फिलहाल। ये जो है मनेर शरीफ का ये जो दरगाह है इसकी बात ही निराली है। यहाँ पर एक पौंड भी है बहुत बड़ा सा, ये पौंड बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर से जा सकते हैं क्या, इसके नीचे से? यहाँ से आपको सीढ़ी से उतर करके नीचे जाना है। और काफी ऐसा लगता है कि बहुत ही हेरिटेज वाली जगह पे आ गए। देखिए यहाँ पर एक और चीज बहुत ही अच्छी नहीं है, यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। ऐसे ऐतिहासिक जगहों के ऊपर नाम लिखना और इसको गंदा करना, ये कहीं ना कहीं सही चीज नहीं होती है। अगर हम लोग और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आ गए, ये वो तालाब है यहाँ पर। ये वो यहाँ देखिए नीचे एक सांप भी है, शायद हो सकता है कि सूरज की रोशनी में मजा ले रहा हो अभी। और वो देखिए वो वहाँ पे भाग रहा है। तो ये अभी हम लोग तालाब के एकदम बीच में खड़े हैं। एक्चुअल में ये साइड का किनारा कुछ पार्ट यहाँ से टूट करके अलग हो गया था, वो यही है। और ये रहा पूरा मनेर शरीफ दरगाह। तो ये देखिए एकदम तालाब के किनारे हम यहाँ पर खड़े हैं अभी फिलहाल। और तालाब के किनारे जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से एक, मतलब कई कमरे हैं इसके अंदर, छोटे छोटे कई कमरे हैं। और ये तालाब है और इधर अगर आप देखिएगा तो चारों तरफ से बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर हम अभी बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो तालाब है इसके बारे में कुछ बताइए हमें कि मतलब कि कैसा तालाब है ये? मखदूम साहब का तालाब है। मखदूम साहब का तालाब, आप भी ज़रूर आइए। फिलहाल यहाँ पर आकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। और अब हमारा सफ़र जो है मनेर शरीफ आने का यहीं पे ख़त्म हुआ। तो चलिए फिर अलविदा लेते हैं आपसे।